अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स घटाने का प्रस्ताव दिया गया। इसका फायदा घरेलू और नई कंपनियों को होगा और अध्यादेश के जरिए पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस फैसले के बाद अब अक्टूबर 2019 के बाद बनी कंपनियों को 15% ही टैक्स देना होगा। इन टैक्स की प्रभावी दर 17.1% रखी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जीएसटी काउंसिल के साथ मीटिंग भी की। जीएसटी काउंसिल की ये 37वीं मीटिंग होगी। वहीं इस मीटिंग में कई सामानों पर रेट कम होने की उम्मीदें हैं। इस बैठक में बिस्किट, माचिस और होटल इंडस्ट्री को राहत देने पर चर्चा होगी, लेकिन ऑटो सेक्टर को राहत मिलना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। कश्मीर को लेकर बौखलाए पाकिस्तान की यूएनएचआरसी में एक बार फिर बड़ी हार हुई है। 42वें यूएनएचआरसी के सत्र में कश्मीर पर प्रस्ताव लाने के लिए पाकिस्तान को समर्थन नहीं मिला। यहां ज्यादातर सदस्य देशों ने कश्मीर पर प्रस्ताव रखने के लिए पाकिस्तान का समर्थन करने से इनकार कर दिया। यूएनएचआरसी में मिला समर्थन भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के झूठे आरोपों का जवाब देने के लिए अजय विसारिया के नेतृत्व में यूएनएचआरसी में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा है। विसारिया पूर्व पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन में होने वाले कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी आज अमेरिका के लिए रवाना होंगे। इस कार्यक्रम में लगभग 50,000 भारतीय हिस्सा लेंगे। इसके लिए 2 हफ्ते पहले ही रजिस्ट्रेशन पूरे कर दिए गए थे। टेक्सास फोरम इंडिया के नेतृत्व में अमेरिका के 33 राज्यों के 600 से ज्यादा भारतीय समुदाय के संगठन मिलकर हाउडी मोदी कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले ह्यूस्टन में एक उष्णकटिबंधीय तूफान ने भारी तबाही मचाई है। इसके चलते टेक्सास के कई हिस्सों में गवर्नर को आपातकाल घोषित करना पड़ा है। भारी बारिश के कारण सभी स्कूल कॉलेज बंद है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन इमेल्डा गुरुवार को टेक्सास पहुंचा, जिसके चलते यहाँ भारी बारिश हो रही है और लोगों को घरों के भीतर रहने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के लिए उनके विमान को अपने हाईवे क्षेत्र से हवाई क्षेत्र से गुजरने की इजाजत नहीं देने के कारण पाकिस्तान के कदम को भारत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान को अपनी हरकतों का एहसास होगा। पाकिस्तान ने कश्मीर में मौजूदा स्थिति का हवाला देते हुए नरेंद्र मोदी के विमान को अपने वायु क्षेत्र के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। इधर मंगोलिया के राष्ट्रपति खल्तमा बतुलगा भारत के 5 दिनों के दौरे पर हैं। यहां वो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वो आगरा और बोधगया के दौरे पर भी जाएंगे। वहीं अपने दौरे में मंगोलियन राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के रिश्तों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही मंगोलिया के राष्ट्रपति खल्तमा बातुलगा ने दिल्ली के राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। आईएनएक्स मीडिया केस में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की सेहत बिगड़ने की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक चिदम्बरम को कई तरह की बीमारियां होने के कारण उनका वजन तेजी से घट रहा है। वहीं चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से चिदम्बरम को समय समय पर मेडिकल सर्विस और सप्लीमेंट्री डाइट देने की मांग की है। तिहाड़ से मिली जानकारी के मुताबिक जेल में बंद चिदम्बरम की पीठ और पेट में काफी दर्द रहने लगा है, जिसके चलते वो ना तो बैठ पा रहे हैं और ना ही लेट पा रहे हैं। चिन्मयानंद रेप में आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को शाहजहांपुर में एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद चिन्मयानंद का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया, जिसके बाद चिन्मयानंद को जेल भेज दिया गया है। इधर कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में माहौल एक बार फिर गर्मा उठा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को
छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। छात्रों के एक वर्ग ने उन्हें कई घंटों तक घेरे रखा, उन्होंने उनके साथ बदसलूकी भी की। बताया जा रहा है कि यह हरकत वामपंथी छात्रों की है। छात्र संगठन एसएफआई का भी हाथ बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एसएफआई ने इसे साफ इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी घटना के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को तुरंत कदम उठाने को कहा है। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही चुनाव आयोग ने आज अहम बैठक की है। बैठक में तीनों आयुक्त और आयोग के आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों और तैयारियों पर चर्चा की गई है। गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की है। यहां अमित शाह चाई सिटी में रिंग रोड प्रोजेक्ट, मोनो या फिर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर कई सालों से लंबित योजनाओं को रफ्तार दे सकते हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आरएनआई टीवी से खास बातचीत में कंवरपाल ने कहा कि बीजेपी में बगावत ना होने से कांग्रेस को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लोग केवल टिकट के लिए आते हैं, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता पाना है। इसी के साथ उन्होंने आरोप भी लगाया है कि कांग्रेस ने अपनी सत्ता में सिर्फ अपना विकास किया है, जनता का विकास नहीं किया। इधर रेवाड़ी में जनसंपर्क अभियान के चलते बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद यादव पंजाबी मार्केट पहुंचे, जहां एसोसिएशन के पदाधिकारियों तथा दुकानदारों ने उनका भव्य स्वागत किया। लोग बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रवादी पार्टी बताते हुए लोगों से बीजेपी के साथ जुड़ने की अपील की और सीएम मनोहर लाल और पीएम मोदी की तारीफ की थी है। इधर पंचकुला में आयुष भारत योजना जन स्वास्थ्य का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आयुष विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर साकेत कुमार पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों को आयुष भारत योजना के बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा है कि इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। फतेहाबाद में एक हादसे में दो व्यापारियों की मौत हो गई है। दोनों भैंस व्यापारी मोटरसाइकिल पर आ रहे थे कि अचानक ही दोनों पर पेड़ गिर गया। आसपास के लोग दोनों को पेड़ के नीचे से निकालकर अस्पताल लेकर गए, जिसमें कुछ शख्स की रास्ते में ही मौत हो गई। दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों शवों को लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। इधर जयपुर के टोंक रोड पर रामबाग सर्किल के पास में एक रेस्टोरेंट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान टोंक रोड का यातायात भी कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं फायर ब्रिगेड के मुताबिक गैस रिसाव की वजह से हादसा हुआ है। जोधपुर के सेक्टर 8 में एक घर की तीसरी मंजिल पर सांड चढ़ गया। वहीं घर की छत पर चढ़े सांड ने बवाल मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद घर वालों ने क्रेन मंगाकर सांड को नीचे उतारा और उसका रेस्क्यू करवाया गया। अयोध्या विवाद भूमि केस में सुप्रीम कोर्ट में 28वें दिन की सुनवाई पूरी हो गई। करीब एक घंटे चली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने बाबरनामा का हवाला देते हुए कहा है कि विवादित जमीन पर बनी इमारत मस्जिद थी, जिसका निर्माण बाबर के हुक्म पर हुआ था। साथ ही कहा है कि जन्मस्थान के नाम से याचिका दाखिल करने का मकसद सिर्फ मुस्लिम पक्ष को जमीन से पूरी तरह बाहर करना था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे। यहां उन्होंने उत्तर प्रदेश विकास संवाद 2 में शिरकत की। कार्यक्रम में मंत्री नीलकंठ तिवारी और सांसद आरके सिन्हा भी मौजूद रहे। वहीं सीएम योगी ने यूपी में तीर्थाटन, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को लेकर बातचीत भी की। एसपी सांसद आजम खान पर अब एक और आरोप लगा है। भू माफिया आजम खान 60 साल पुराने क्वालिटी बार के मालिक ने आरोप लगाया है कि बार के मालिक ने आरोप लगाया है कि 2013 में आजम खान ने अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हुए उसके बार पर कब्जा करने की कोशिश की थी।
यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोंडा जिले का दौरा किया। यहां उन्होंने महिला अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने अस्पताल में हर तरह की सुविधा मुहैया कराने की बात भी कही। प्रयागराज में गंगा और यमुना में आई बाढ़ के पानी ने हाहाकार मचा दिया है। हालात से निपटने के लिए अब सेना की मदद का फैसला किया गया है। इसके साथ ही बाढ़ में फंसे हुए हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर की मदद मांगी गई है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी है। सुधारनगर जिले के बांसी तहसील क्षेत्र में सरयू खंड की नहर पर बना पुल टूट जाने से दर्जनों गांव के लोगों का आना जाना प्रभावित हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि तमाम शिकायतों के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी मामले पर संज्ञान नहीं ले रहे, हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की जा रही है। आगरा में 3,45,000 का कैश चोरी का मामला सामने आया है। वहीं चोरी की वारदात को अंजाम देता हुआ आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो इनर रिंग रोड रहनकला टोल प्लाजा का है, जहां टोल प्लाजा के अकाउंट रूम में चोरी की वारदात हुई। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। झांसी के थाना नवाबाद इलाके से गायब महिला मीना सोनी के मामले में नया मोड़ आया है। जमीन कारोबारी संजय वर्मा के ड्राइवर ने पुलिस की पकड़ में आने के बाद अपना बयान दिया है। आरोपी ड्राइवर की माने तो महिला की हत्या कर दी गई है। हालांकि शव अभी पुलिस के हाथ नहीं आ सका, लेकिन पकड़े गए ड्राइवर के बयान के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। संभल में वाहनों की चेकिंग के लिए जनपद के एसपी सड़क पर खुद निकले, जिसके बाद उन्होंने ट्रैफिक को चेक किया। देर रात चलाए गए इस अभियान में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बिना हेलमेट और ईयरफोन लगाकर गाड़ी चला रहे लोगों को पकड़ा और उन पर कार्रवाई की। सिद्धार्थनगर में बारिश के बाद यूनियन बैंक में पानी भर जाने से कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। बैंक के अंदर पानी लगभग 2 फीट तक जमा हो गया। पानी भरने के बाद सभी कागजातों को सुरक्षित जगह पर रखा गया, हालांकि पानी भरने की वजह से 3 कंप्यूटर खराब हो गए। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि क्रिकेट में अब धोनी का टाइम खत्म हो गया है, टीम मैनेजमेंट को जल्द दूसरे विकल्प तलाशने होंगे। वक्त आ गया है कि धोनी को सम्मान के साथ विदा करना चाहिए। साथ ही गावस्कर ने कहा कि टीम इंडिया के पास पंत एक अच्छा विकल्प है। पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ने के बाद दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया था। अब मुकाबले के सीरीज में भी अपने नाम करने तीसरे और आखिरी T20 मैच के लिए टीम इंडिया एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंच चुकी है। दिग्गज क्रिकेटर सचिन ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्मिथ की बल्लेबाजी तकनीक को उलझा हुआ बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि उनका माइंडसेट बिल्कुल व्यवस्थित है। सचिन ने एशियन सीरीज के दौरान स्मिथ के बल्लेबाजी का पूरा समीक्षा करते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया है। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का चीन ओपन से सफर समाप्त हो गया। पीवी सिंधु एक बड़े उलटफेर का शिकार होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। मौजूदा विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को चीन ओपन का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन भारतीय शटलर चीन ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की शटलर पोर्न पावी से हार गई। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के पदक की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता महिला पहलवान साक्षी मलिक टूर्नामेंट के पहले ही दौर से हारकर बाहर हो गई। चैंपियनशिप के 6ठे दिन पहला बाउट लड़ने उतरी साक्षी को नाइजीरिया की अमीनत एडेनिये ने हराकर बाहर किया है। इधर चीनी स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। Redmi 8A को भारत में कंपनी 25 सितंबर को लॉन्च करेगी। उधर कंपनी ने Redmi 8A का टीजर भी जारी कर दिया है। इस टीजर में वाटर ड्रॉप स्टाइल लॉन्च दिखा रहा है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को कंपनी ने Redmi 7A भारत में लॉन्च किया था। 2 महीने बाद ही कंपनी ने इसका अगला वर्जन ऐलान कर दिया है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ बड़े ऐलान किए। केंद्र सरकार के इस ऐलान के साथ ही शेयर बाजार के सेंसेक्स में भारी उछाल देखने को मिला। अदर तेज बढ़ता सेंसेक्स का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच चुका है। वहीं निफ्टी 500 अंक तक मजबूत हुआ है। सबसे ज्यादा बढ़त मारुति के शेयर में रही। मारुति के शेयर में 10% से अधिक बढ़त दर्ज की गई है। गूगल फॉर इंडिया के 5वें सालाना इवेंट में कंपनी ने भारत के लिए कई प्रोडक्ट्स और सर्विस लॉन्च किए हैं। इसी दौरान कंपनी गूगल पे में एक एंट्री लेवल जॉब सर्च का ऑप्शन जोड़ने का ऐलान कर रही है। इसके तहत यूजर्स एंट्री लेवल पर जॉब सर्च कर सकते हैं। इससे पहले ये फीचर को गूगल ने पहले लॉन्च किया था, लेकिन अब ये फीचर गूगल ऐप में भी मिलेगा। इधर SBI बैंक ने अपने रेपो रेट आधारित होम लोन पर रोक लगा दी है। बैंक ने एक ट्विटर यूजर के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी कि बैंक ने कहा कि RLLR आधारित होम लोन स्कीम वापस ले ली गई है। आप अपने होम लोन को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट आधारित लोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। SBI देश का पहला ऐसा बैंक है जिसने अपने होम लोन को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के रेपो रेट से जोड़ा था। TVS मोटर ने अपने स्कूटर NTO RQ 125 का रेस एडिशन लॉन्च किया है। कंपनी ने इस स्कूटर की दिल्ली में एक्स शोरूम में कीमत 62,995 रुपए रखी है। दिखने में बेहद स्टाइलिश, TVS ने कुछ समय पहले ही NTO RQ का ड्रम ब्रेक वेरिएंट भी लॉन्च किया था, जिसकी एक्स शोरूम में कीमत 98,552 रुपए रखी गई थी। ये इसका स्टैंडर्ड वेरियंट भी है। अमिताभ बच्चन के घर के बाहर प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमिताभ के मेट्रो को लेकर किए ट्वीट पर लोग उनसे खफा हैं, जिसके चलते अमिताभ के घर प्रतीक्षा के बाहर कई लोगों ने प्रदर्शन जारी रखा है। इसके बाद बुधवार को आधा दर्जन लोग उनके दूसरे घर जलसा में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। संजय दत्त के फैंस के काफी इंतजार के बाद संजय दत्त की फिल्म प्रस्थानम रिलीज हो गई है। ये एक मल्टी स्टार फिल्म है। फिल्म में संजय दत्त के साथ जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला, चंकी पांडे, अली फजल और सत्यजीत दुबे भी हैं। ये फिल्म साल 2010 में इसी टाइटल के साथ रिलीज हुई तेलुगु फिल्म का रीमेक है। प्रस्थानम के प्रोड्यूसर संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त है। इस फिल्म के रिलीज के साथ ही संजय दत्त का करियर भी दांव पर है और इसका हिट होना संजय के लिए काफी जरूरी है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को हाल ही में एक अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा। वे अपने पैतृक घर पटौदी पैलेस का पता भूल गए और इसके बाद उन्हें अपने ही घर का पता पूछने के लिए स्थानीय लोगों की मदद लेनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक सैफ अली खान अपने बेटे तैमूर के साथ 21 सितंबर को आने वाले पत्नी करीना कपूर खान के 39वें जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे थे। सिनेमा के चहेतों के लिए आज बॉक्स ऑफिस पर धमाल होने वाला है। बॉक्स ऑफिस पर आज 3 फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिनकी कहानी, प्लॉट और स्टार कास्ट पूरी तरह से एक दूसरे से अलग है। पहली फिल्म है सनी देओल के बेटे करण देओल की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म पल पल दिल के पास। वहीं दूसरी फिल्म है दलकर सलमान और सोनम की फिल्म द जियो फैक्टर। वहीं तीसरी फिल्म संजय दत्त और जैकी श्रॉफ के प्रस्थानम है। तीनों ही फिल्मों का फैंस को काफी बेसब्री से इंतजार था। पल पल दिल के पास की स्क्रीनिंग में पूरा देओल परिवार, रणवीर के पापा भी नजर आए। सनी देओल के लाडले बेटे करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है। फिल्म के रिलीज से पहले ही मुंबई में इसकी स्क्रीनिंग रखी गई। इस स्क्रीनिंग में वहां पूरा देओल परिवार करण की शुभकामनाएं देने पहुंचा। फिल्म पल पल दिल के पास है तो सनी देओल निर्देशन की दुनिया में अपना आगाज करने जा रहे हैं। वहीं उनका बेटा करण इस फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रहा है। बिग बॉस 13 टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो है। बिग बॉस एक बार फिर आने वाला है। यह शो 29 सितंबर से रात 9 बजे शुरू होगा। हर सीजन में एक ऐसा कंटेस्टेंट जरूर होता है जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनता है, तो ऐसे में दर्शक काफी उत्सुक हैं कि इस बार कौन बाकी कंटेस्टेंट की नाक में दम कर देगा।
आईफा 2019 फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड शो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा अवार्ड का आयोजित किया गया। आईफा ने 20 साल पूरे होने का जश्न मनाया। बॉलीवुड सेलेब्स का स्टाइलिश और फैशनेबल अवतार देखने को मिला। अवार्ड में एक्ट्रेस आलिया भट्ट को फिल्म राजी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, वहीं रणवीर सिंह को पद्मावत के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। मुंबई में आईफा अवार्ड्स का रंगारंग कार्यक्रम में सलमान खान ने भी शिरकत की, लेकिन सलमान की एंट्री अकेले नहीं हुई, उनके साथ एक खूबसूरत एक्ट्रेस भी दिखी। सलमान खान ने आईफा अवार्ड में एक्टर महेश मांजरेकर की बेटी सई मांजरेकर के साथ एंट्री की। सलमान खान का साथ मिलने से सई की अवार्ड नाइट में जबरदस्त चर्चा हुई।